को पावन अपने हाथ उठे। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेणा क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कलशानुर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंद जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा चरणौ मम श्री कृष्णा चरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ। अहोभाग्यशाली कल्याणकामी गीता अनुयायी देवियो प्रभागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जन धार्मिक भाई कीजिए अपने मन को एकाग्र आने का हम पूरा पूरा लाभ उठाए। आज मुबारक है पावन भगवान जी का अवतारी दिवस। भगवान जी ने बहुत ही अच्छा प्रसंग आपको दिव्य प्रेरणा प्रदान करते हुए मेरे देवी सज्जनों चला रखा है। दैनिक जीवन में गीता गीता पाठ करने योग तो है ही, गीता समझने योग भी गए, पर इससे कहीं ज्यादा जैसे आप सब रियलाइज किए जा रहे हैं अपनाने योग है, जीवन में उतारने योग है। हमने अपने भगवान का यह निर्णय लिया, जैसे भोजन सथू शरीर के खाने योग होता है, इससे भगवान का ज्ञान हमारी मन बुद्धि के पचाने योग है। वो मन बुद्धि का भोजन है, इस तरह ध्यान देना। सतुर शरीर को भोजन न मिले तो शरीर जिंदा नहीं रह सकता, रहेगा तो बहुत कमजोर हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा, अपने कोई बोझल प्रतीत होगा। इस तरह भगवान की वाणी के बिना मेरे दिन में जैसे आप मुद्दत से एहसास कर रही है। क्योंकि मैं सबके भाई या जितने मैं देख रहा हूं कई वर्षों से आप तशरीफ ला रहे हैं, आपने अनुभव किया कि भगवान के ज्ञान के बिना बुद्धि और मन निकम्मे है, किसी काम के नहीं, बुद्धि को पता ही नहीं लगता क्या करना है क्या नहीं करना, मन को पता ही नहीं लगता क्या सोचना है क्या विचारना है क्या संकल्प होना है क्या विकल्प, बिल्कुल भी नहीं जानता। तो कर विचारे के अंगों को ये समझ ही नहीं कि किन कर्मों में मेरा लाभ है, किन कर्मों करने से मेरा भविष्य बिल्कुल अंधकार से भरपूर हो जाएगा। भगवान की बड़ी कृपा, ये तीन अंग लेके आया ना, एक आगुदानी देवी मेरे सजनों, भगवान ने तीन अंग दे के अपने सृष्टि में भेजा है, बुद्धि मन और तन। अब इन तीन अंगों का प्रयोग कैसे करना है ये भगवान की गीता बताती है, जिसे हम अपने जीवन पथ प्रदर्शी का अपने गाइड फ्रेंड और फिलोसफर कहते हैं। गीता तो अपने मन में बिठाइए, रहनुमाए जिंदगी, गीता हमारी रहनुमाए जिंदगी है, हमारी बेस्ट गाइड फ्रेंड और फिलोसफर है, बेस्ट गाइड जो आपको बता करके आपके जीवन को मेड इजी कर देती है, जीवन बिल्कुल इजी हो जाता जैसे आप महसूस कर रहे हैं। आज का दिन तो खैर मेरे लिए बहुत ही पावन है ना, अति पावन। अब इसी को हम ले पा रहे हैं हर अध्याय के आधार पर। पहले अध्याय का वास्ता हमारे जीवन के साथ हमने विचार किया, मेरी देवियों मेरे सजनों अब प्रवेश कर चुके हैं दूसरे अध्याय का ताल्लुक हमारे दैनिक जीवन के साथ। दूसरा अध्याय हमारे दैनिक जीवन में मदद क्या करता है यह हमने जानना है। जैसे आप लोग बिजनेसमैन ये सोचते हैं कि फला बिजनेस करूं तो मुझे कितना नफा होगा, मुझे कितना रुपया मिलेगा। हाँ, इसी तरह हमें गीता के बारे में ये सोच लेना है कि मेरे जीवन में क्या काम आएगा। मैं अपने बच्चों को बार बार प्रार्थना करूंगा, अपनी देवियों को भी, खासकर जितने यंगस्टर्स है जो जीवन में बड़ी उमंगे रखती हैं, बड़ी तरंगे रखती हैं, बड़ी लहरें गए, बड़ी एस्पिरेशन है, हाँ बड़ी महत्वाकांक्षाएं हैं मेरी देवियों को मन के अंदर। ये मैं ऐसी शताब्दी देख रहा हूं, बड़ी महत्वाकांक्षा, हमने ऐसा करना, हमने वैसा करना, हमने ऐसा बना लेना, हमने इतनी इज्जत लेनी है, हमने इस प्रकार की अपनी वास्तव पूरी करते हुए अपने मन को एक अच्छे स्तर पर ले जाना है। वेल एंड गुड, गीता आपके बड़े काम आती है।
इसी तरह सोचना चाहिए गीते हमारे दैनिक जीवन में क्या काम आती है। जैसे बनिया सोचता है मुझे इससे क्या लाभ होगा, तब तो मैं बिजनेस को स्टार्ट करूं। इसी तरह हमें सोचना चाहिए कि मैं दूसरा अध्याय पढ़ रहे हूं, विचार करता हूं, लेकिन ये मेरे दैनिक जीवन में काम आना चाहिए। मैं आप ये तकिया कलाम बना देना चाहता हूं, आपका भगवान करे मेरी वाणी सफल हो और गीता का हर अध्याय इस रूप में तकिया कलाम बन जाए, मेरे जीवन में क्या काम आने वाला। देख मेरी दीदी, ये आप मन में हमेशा के लिए बिठा लो। तीसरा अध्याय मेरे जीवन में क्या काम आएगा। जब आप पाठ करती हैं तो ये नहीं कि एक श्लोक से शुरू किया और आखिर में आन पहुंचे और हरिओम तत्सत के बाद भोजन शुरू कर दिया, ये तो समथिंग इज बेटर नो डाउट। लेकिन इसे और आगे निकलो, क्या और आगे निकलिए। अगर दिल्ली पहुंच जाए तो पानीपत तक पहुंच गए, और आगे चलिए और आगे चलिए, अब आप राजधानी में पहुंच जाएंगे। हमने अपने भगवान की जात में तलीन हो जाना है मेरे सजनों मेरी देवियों, और आगे बढ़ो। आप तो सुनते भी हैं, विचार भी करती हैं और अब गीता जी पढ़ते भी हैं, अब जरा आगे निकल के विचार कीजिए हमारे जीवन में क्या काम आती है। अवतारी दाता ने इतनी कृपा करते हुए जीवों के कल्याण के लिए, जीवों की खुशी के लिए, जीवों की प्रसन्नता के लिए, जीवों के लोक परलोक बनाने के लिए इतना चोटी का उपदेश दिया, उस भगवान की कदर करो मेरी देवियों, कदर करो मेरे कल्याणकामी सज्जनों। जिस पर आज हम कर रहे हैं मंदिरों में ये पूरी कदर नहीं, व्रत रख लिए, भूखे मर गए, 12 बजे व्रत खोल दिया और फिर 12 महीने भगवान को याद ही नहीं किया। भगवान कहाँ रहते हैं, क्या है, क्या भगवान सिर्फ एक दिन व्रत रखने योग्य है, क्या भगवान केवल मंदिर में जाकर टर खड़का करके प्रसाद और चनामत लेने योग्य है। ये तो है ही, लेकिन ये तो कोई पूरी कदर ना होगी। कदर क्या है, भगवान ने अवतार क्यों लिया, मैं कल भी आपसे कह रहा था, हम लोग पढ़े लिखे इस तरह गहराई में उतरे ऐसी जाए। भगवान का अवतार धर्म की स्थापना के लिए, धर्म की स्थापना हाँ किन के लिए, जो धार्मिक व्यक्ति होती है और जो धर्म में बाधा डालती है उनको कहती है तुम्हारी मुझे आगे जरूरत है, मेरे पास चलो, साथ चलो मेरे। और धार्मिक व्यक्ति कहते अभी तुम्हारी इसी लोक में जरूरत है, यही रहो, जो बाधाएं आ गई थी मैं रुकाव दूर करता हूं। तो धर्म का काम क्या होता है, हमारी बुद्धि और मन का विकास करके ये बताने के लिए करना है क्या और न करना है क्या, हमें ये तमीजी देने के लिए। जैसे पोने का काम होता है दूध छान देते हैं, दूध छन गया तो क्या हो गया, जो ऊपर मैटर आया है वो गिरा देने योग्य, मटीरियल खाने योग्य नहीं है, इससे हमारी सेहत में फर्क पड़ेगा। जो छाने ने छन लिया है ये जैसे सुबी यूटिलाइज्ड। इसी तरह भगवान जी ने धर्म का पूर्ण बना दिया, इसमें जो हमें भगवान जी आज्ञा देते हैं कि ये निर्णय करो, ये मन से विचार करो और ये कर्म करके अपना लोक परलोक बना लो, इसको अपने वैदिक धर्म में धर्म के नाम से पुकारेंगे, ये मेरे भगवान का धर्म है। इसी जब ये जब डाउन जाता है तो भगवान अवतार लेने के लिए वचन दे चुके हैं, संभवामी युगे युगे, मैं युग युग में अवतार लेता हूं। जब भगवान का अत्यंत कल्याणकारी नियम और कल्याणकारी धर्म नास्तिकों द्वारा गिराने की कोशिश की जाती है, जैसे घर में उसल पुसल मच जाए तो पिताजी जरूर दखल देती है, तो वो हमारे परम पिता है। जब भगवान के नियम की धज्जियां उड़ती है, भगवान के बनाए हुए कल्याणकारी नियम को तोड़ा जाता है, बस तब अवतार होता है। आइए जरा हम विचार कर रहे थे आज का दिन भी सफल हो जाएगा और हमारा जीवन भी दिन ब दिन सफल होता जा रहा है। दूसरे अध्याय का हमारे जीवन में क्या वास्ता है, क्या ताल्लुक है, मैं 2 दिन पहले बता चुका हूं। आज इसके विषय में मैं अंतिम लेक्चर दे रहा हूं, दूसरे अध्याय के विषय में क्या ले लीजिएगा। कल हमने विचार किया था दूसरे अध्याय में ये बड़ी जोरदार प्रार्थना कर देंगे जीवन में, अपने कर्तव्य कर्म को किए जाओ, हाँ प्रगति पर विश्वास करते हुए खून पसीना एक कर दो, आपके कर्तव्य कर्म में लगे रहो, जो भी आपका कर्तव्य कर्म, हरेक का कर्म क्षेत्र अलग अलग अपने अपने संस्कार अनुसार, हरेक का क्षेत्र एक हो सकता है, दृष्टिकोण तो एक हो सकता है, विचार हमारे एक हो सकती है, लेकिन हमारे कर्म करने के क्षेत्र यानी फील्ड ऑफ एक्शन मस्ट बी डिफरेंट, वरना सृष्टि चल ही नहीं सकती।
मेरी देवी सृष्टि नहीं चल सकती, मेरी माताओं मेरी अच्छी बेटी हो, सृष्टि चलती भी तब है जब अलग अलग क्षेत्र हो, अलग अलग क्षेत्र में मैं कैसे अपने कार्य को अपनी ड्यूटीज को संपन्न करूं, ये बताती समझाती है गीता। ये उनका फरमान, अपने कर्म की ओर नजर रखो, फल भगवान के हाथ में है। हमने मार कब खाई जब हमने कर्म करने की अपेक्षा फल पे ज्यादा नजर रखी। लेकिन ये ऐसा अजीब वक्त आ गया है, आपके तो संस्कार बहुत ही अच्छे हैं कि आपका ध्यान भगवान की ओर लगा हुआ है, अब प्रभु कृपा से आपका ज्यादा ध्यान महाराज जी की वाणी की ओर लग गया है, आपको समझ आती जा रही है वाणी का प्राण में मेरा कल्याण है, वाणी के जीवन के मेरे उतारने में मेरी भलाई मेरी बेहतरी में सब कुछ इसी में है, मैं महाराज जी की वाणी को अपने जीवन में उतारू, महाराज जी की वाणी को अपने में ले आऊ, भगवान करे ये भाव और आपके गहरा उतर जाए और भी बैठ जाए, अब ये काफी ने अपने जीवन में उतार करके अपने में विशेष प्रकार की रौनक, विशेष प्रकार की खुशी, विशेष प्रकार का उल्लास पाया है, ये आपके औभाग्य है कि इतना इतना आपको पता लग गया मेरी कल्याणकारी देवियों में सज्जन हो और अपने जीवन में रौनक ले, कर्म करना हमारा अधिकार है, बाकी जो मिल रहा है तो आपको प्रलोभ में भगवान ने पहले लिख ही दिया है, प्रसाद करेंगे आपको मिलेगा, जरूर मिलना पुरुषार्थ ही है और पुरुषार्थ हम सब ने करना है, क्योंकि और आपके कर्म प्रधान योनि है, कर्म प्रधान योनि, हम सब के कर्म प्रधान योनि, कर्म किए बिना हम नहीं रह सकेंगे। महापुरुषी ने कितना अच्छा दृष्टान दिया है, मेरी माता बेटी बुजुर्ग और भाइयों, पानी है ना है, पानी था ना हाँ, पानी रहेगा ना जी, एकाग्र रहना एकाग्र रहना मेरी बोली वाली बोलियो, कुएं पानी होता है ना होता है, तभी तो कुआं नाम उसका रखा गया, अच्छा अब हमने पानी को बाहर लेना है, लो बाहर साधन बनाओ, बनाओ साधन, हमने लोहे के बना लिए लोटे और एक माल बना ली, दो बैल बना लिए और इस ढंग से उसे चलाया तो पानी बाहर आने लग गया, तो क्या लोगों ने पानी दिया नहीं, क्या बैलों ने पानी दिया नहीं, पानी तो पहले कुएं में था, मैं आपका ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं, पानी तो पहले ही था कुएं में, पानी को बाहर निकालने का साधन हमने बनाया, पानी को बाहर निकालने का, पानी को प्राप्त करने का हमने साधन बना लिया, गुड, पानी कुएं में था, इसी तरह भगवान कहते पुरुषार्थ करो और जो कुछ मिल रहा है वो तो मिलने का पुरुषार्थ साधन है, पुरुषार्थ द्वारा वो चीज तो मिलनी थी आपको, इस तरह भगवान जोर से कर्म किए जाओ, बाकी जो धन पदार्थ रिश्तेदारी और अनेकों साथ मेल मिलाप होना है दैट इज प्री डिटरमिंड, अब वो हमने नहीं मारा, भले कईयों को हैरानगी होगी पर जितना आप सोचेंगे आप सहमत किए सहमत हुए बिना रह ही नहीं सकते, आप सब मेरी दीदी भगवान के भाव के साथ सहमत हो जाएंगी कि ये पहले निश्चित होता है, ये सारा प्रोग्राम पहले निश्चित है, भगवान ने आपसे प्रसाद करा दे, यही बात आज के पावन दिवस में आप पक्की कर ले, हमेशा ही शांत रहेंगे, हमेशा ही प्रसन्न, कोई शिकवा गिला शिकायत कभी होगी नहीं, अब गिला शिकवा नहीं तो मन आपका शांत रहेगा, आप अपने मन के तवाजन को कभी खोएंगे ही नहीं, आपका तवाजन बना रहेगा। मेरे धार्मिक सज्जनों, मेरे धार्मिक भाई, बहुत अच्छा तरीका जिस पर कल हमने प्रकाश डाला, करनी अधिकार आते, हमारा अधिकार केवल कर्म करने में है, जो हमारे बस की बात है हम करते जाए, जैसे हमने लोटे रखे और माल बनाई और पानी बाहर ले लिया, मनोमन तनो टन पानी हमने बाहर निकाल लिया, खेतों में दे दिया, कोई स्नान करने में काम आया, कोई पीने में काम आया, कोई खेतों में काम आया, कुछ बाकी पशुओं को पीने में काम, पक्षी भी पी के दुआएं देंगे, वेल एंड गुड, पानी आपने साधन बनाया बाहर लेने का, इसी तरह ये पुरुषार्थ आपका साधन है, भगवान द्वारा निश्चित किए गए प्रारब्ध को प्राप्त करने का, और भगवान ने साधन बना भी नहीं है, साधन की प्रेरणा भी मेरे प्रभु ने आपको दी है, शाबाश, अब मैं आगे बढ़ूंगा आज दूसरे अध्याय का वास्ता हमारे दैनिक जीवन में, यह है 31वां श्लोक जो भगवान जी ने कहा, क्या जो इंसान करे ख्वाहिशे दिल से दूर, मैं इतना ही, यहां कामान या सर्वान, मैं इतना ही,
दूसरे ग्रह हमारी मदद करता है, वही मदद करता है। तीन इसमें जबरदस्त उपदेश है कि इंसान के अंदर एक ऐसी शक्ति है जिसे आत्मा कहती है, जो खुशी का घर है, कल्याण का घर है। इंसान के अंदर शरीर नहीं है, शरीर तो जा रहा है, ये मैंने पहले बता दिया, एक शक्ति है चेतन जो उसको चला रही है, जिसके निकल जाने के बाद इस शरीर की किसी ने कदर नहीं करनी, चाहे हमारी अवस्था बालकपन की हो, युवा अवस्था हो, प्रौढ़ अवस्था हो, वृद्ध अवस्था हो, कोई भी अवस्था क्यों ना हो। इसलिए हमें ज्यादा महत्ता उसी चेतन सत्ता को देनी चाहिए जिसको आप भगवान कहते हैं। इसके बाद हमने कर्म करने का ढंग भी दिया भगवान से, दूसरे अध्याय के आधार पर दैनिक जीवन में उतारने का, कर्म किस तरीके से करूं मेरी खुशी बन जाए, ये मन में भाव बनाइए, कर्म किस तरीके से किया जाए खुशी मेरी बढ़े, खुशी कम ना होने पाए। उल्टा आयकर के जमाने के अंदर चूंकि हमने भगवान जी की उपदेश की कदर नहीं की, खुशी घटा बैठती है। कर्म करने से पहले हमारी खुशी अच्छी होती है, हम हर्ष उल्लास में होती है, कर्म करने के बाद मेरे देवी आप बिल्कुल ही गंभीर हो जाती है। क्यों? जो तरीका भगवान जी ने बताया उसके आज के यंगस्टर्स कदर नहीं करते, इसलिए वो उथल पुथल में आ जाती है, वो संकल्प विकल्पों की दुनिया में आ जाती है, उधेड़ बुन में आ जाते हैं। Here they lose their what balanced mind, बस फिर तो अशांत हो गए। भगवान ने जो तरीका बताया वो हमेशा ही मन शांत रहेगा, हमेशा ही हमारा मन का जो संतुलन है वो बना रहेगा। मेरे सजनों, मेरे धार्मिक भाइयों, माताओं, मेरी बेटियों, वो संतुलन बिगड़ता ही नहीं है, अपनाने की पूरी कोशिश करना। आज का पावन दिवस है, भगवान का अवतारी दिवस है, एक न एक बात जरूर भगवान की पिकअप पिकअप एंड फॉर एवर एंड परमानेंटली हम ले लेंगे। हमारे जैसों को भगवान भेजते हैं केवल ये बातें याद कराने के लिए, हम तो आपके रिमाइंडर हैं, भगवान के भेजे हुए याद कराने वाले रिमाइंडर, क्या आपको याद करवा दें। भगवान ने हमें खुशी के तरीके बताए गए, बता के गए, अवतार देने का मतलब यही था। आयकर तो मजाक बना के छोड़ दिया हमने, भगवान की पूरी कदर ही नहीं की। अब आप लोग जो पढ़े लिखेंगे पूरी कदर कीजिए भगवान के अवतार की। क्यों आए भगवान अवतार लेकर, एक विशेष जो भगवान सर्वव्यापी है, एक विशेष दिव्य रूप में क्यों आए, हमारे ही कल्याण के लिए आए। हमारा कल्याण किसने जोर उपदेश दिया है, उपदेश क्या होता है, जो बुद्धि और मन और दैनिक कार्यों में काम आए उसे उपदेश कहते हैं। जो हमारी बुद्धि को चमका दे, हमारे मन के विचारों को उच्च कर दे, हमारे कर्मों में पवित्रता ले आए, उसी को उपदेश कहते हैं। उपदेश केवल एक जगह नहीं लगता, उपदेश बौद्धिक रूप से, उपदेश मानसिक रूप से, उपदेश शारीरिक रूप से। अगर ये तीनों ठीक हो जाए तो परिवार में खुशी उतर आती है, और कई परिवार इस तरह बन जाए तो मोहल्ले में खुशी आ जाती है, कई मोहल्ले ऐसे आ जाए तो नगर अच्छा हो जाता है, कई नगर ऐसे हो जाए तो प्रांत में खुशी ओवरफ्लो करती है। और आगे देखिए, प्रांत से मिलकर के आपका राष्ट्र बनता है, वेल एंड गुड। थोड़ा सा इंसान अपने में तब्दीली लाने लगे, तो भगवान का अवतार इसीलिए हुआ था, इन इनकलाब लाने के लिए। किसमें इनकलाब? बुद्धि मन और हमारे तन में इनकलाब लाने के लिए। तन का मतलब यह कार्यों से है, और कार्य भी जो हमारे निश्चित है, जो जरूरी है, अनिवार्य है, कार्य वो जो अनिवार्य है, अपरिहार्य है। सदनो आगे बढ़ो, आगे जो मेरे भगवान इकट्ठे श्लोक में दैनिक जीवन में उतारने की बात बता रहे हैं, उसमें जरा ये देखिए हमारा जन्म क्यों हुआ, जरा ये लीजिए। हमारा जन्म कभी आप सोचते नहीं, पर आप जरूर सोचेंगे, क्योंकि आप इस दिन बढ़ता जा रहा है, कभी तो आपका झुकाव मेरे भगवान की ओर हो रहा है, कभी तो आपका मन भगवान की ओर लगे, शतुगुण न बढ़ता है मेरे सजनों, तो आपका मन भगवान की ओर ना होता, जहान की ओर होता। मोटी बात, भगवान की ओर झुकाव केवल केवल उन्हीं नेक जीवों का होता है जिनमें शतुगुण बढ़ता जा रहा है, जिनमें रजोगुण बढ़ा हुआ वो जहान की ओर। अच्छा, जिनमें शतुगुण बढ़ जाता है तो आपको मजबूत थोड़ा करता है, आपका मन ही नहीं मानता, आपका मन कहते ना खाना पीना सो जाना ये कुछ जिंदगी है, शादी करना बच्चे बनाना मर जाना ये कुछ जिंदगी है, कुछ और भी तो करे, ये खाम खा सतोगुण आपको मजबूर कर रहा है नेक बनने के लिए, भगवान की ओर झुकने के लिए, अपनी कमजोरियों को देखकर उसके सदा निकालने के लिए।
यही तो लक्षण है कि जीव अपने भविष्य को उज्ज्वल बना लेगा। तो हमारा जन्म क्यों हुआ? हमारा जन्म अरमानों को पूरा करने के लिए। इंसान में कुछ अरमान होते हैं, उनको पूरा करने के लिए भगवान एक विशेष वातावरण में जन्म देती है। किसको? आपके सूक्ष्म शरीर को। हमारे अंदर सूक्ष्म शरीर है जो निर्णय करता है, जो विचार करता है, जो सोचता है, जो कभी सपने लेता है। थोड़ी शरीर तो नींद ले रहा होता है, सूक्ष्म सी सपने ले रहा होता है। सपने क्या होते हैं? हम जो जागृत अवस्था में पूरे नहीं कर सकते, वो सपने में पूरा करते हैं। वाह! जो जागृत अवस्था में एक बात पूरी नहीं कर सके, नाउ इज वेरी गुड ड्रीम, और आप उस को जो जागृत अवस्था में पूर्ण कर सके, सपने पूरा कर ले। फिर कभी बाहर का माहौल भी भगवान आपको ऐसा दे देते हैं कि आप उसे पूरा किए बिना रह ही नहीं सकते। तो मेरा आपका जन्म क्यों हुआ? अपने अरमानों को पूरा करने के लिए। चाहे वो अरमान आपके धार्मिक थे, शुभ थे, अच्छा, तो वो जा पूरे होने थे। ऐसा घराना आपको दिया है, वाह, ऐसे माँ बाप, ऐसी गली मोहल्ले, ऐसे रिश्तेदार, और जो माँ बाप गली मोहल्ले वाले नहीं पूरा कर सकते थे, फिर ऐसा माहौल आपके लिए तैयार कर दिया। ये प्रकृति का काम है, प्रकृति का मालिक का काम है। जैसे रजोगुणियों के लिए उन्होंने सिनेमा बना दिए, लाखों रुपए के सिनेमा हॉल बन गए। रजोगुणियों के लिए क्लबें बना दी, पार्क बना दिए, और तमोगुणी के शराब खाने बना दिए। ताश कूटना, जुए खेलना, ये तमोगुणियों के लिए, सतोगुणियों के लिए ऐसे एकांत में सत्संग भवन बना डाले, ताकि आप अपनी आंतरिक मांग को पूरा कर सके। जो मां नहीं कर सके, बाप नहीं कर सके, जो स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी नहीं कर सके आपके, वो भगवान का काम है। चूंकि भगवान का नियम है, मेरे पास जिस राह से लोग आए मैं राजी हूं, अर्जेंट मुराद अपनी पाए। मुरादें पूरी करने वाले तो भगवान है ना, तो भगवान ही आपके लिए ये कैटेगरी माहौल बना देती है। वेरी वेरी गुड। जो भगवान लाखों रुपया सिनेमा के लिए लगवा सकते हैं, वो लाखों रुपया आपके आंतरिक धार्मिक भोजन देने के लिए ऐसे एकांत स्थान बना देते हैं। कितना चुपचाप शांत, जैसे मानो हम स्वर्ग में आ गए हैं। शहर की शोरगुल से एकदम दूर। आपने कभी मन में ये भाव किया होगा, बनाया होगा, हम भी कल्याण की बातें सोचे, हमारा भी कल्याण, भले हम नारी बने, पति बने, माँ बने, लेकिन हमारा भी कल्याण होना चाहिए। ये क्या मजाक दुनिया बना होगा, खा लो पी लो मर जाओ, ये कुछ जीवन तोड़ा है? ये बंदा हलचल मची आपको, मन में बेचैनी आई, और भगवान की ओर से ये प्रति उत्तर आपको मिल रहा है। ये प्रति उत्तर, कभी आपको जवाब देना होता फौरन, तो जवाबी कार्ड आप डालती है कि मेरा पत्र पढ़कर फौरन ये संलग्न कार्ड के उत्तर द्वारा, और काम नहीं करना, पहले उत्तर डाल के ये इसको लेटर बॉक्स में डाल देना, क्योंकि मैं आपके पत्र उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हूं। तो ये क्या प्रति उत्तर, जो दूसरा कार्ड लगा होता है प्रति उत्तर। इसी तरह ये जो आपको सत्संग मिल रहा है, ये आपके अंदर की शंका का प्रति उत्तर है। ये जवाबी कार्ड है, जवाबी कार्ड जो मेरे भगवान ने आपके अरमानों को पूरा करने के लिए ये आपकी झोली में डाल दिया है। कदर करो अपनी अवतारी भगवान की। भगवान का मतलब ही यही है। अवतार का मतलब क्या? आपके दैनिक जीवन में खुशी ले आना। मेरे से पूछो बेटी, मेरे से पूछो, भगवान का अवतार क्यों हुआ? हमारे में दुखों को कम करने के लिए, और खुशी उत्तरोत्तर बढ़ाने के लिए। जो खुशी में बाधा होती है उनको दूर करने के साधन बताने के लिए केवल भगवान का अवतार इसलिए होता है। क्योंकि इंसान सुख, आराम, चैन, करार चाहता है। कहां से मिले? भगवान से मिले। मैं आपसे बार बार कहूंगा, जो यही हमारी अरमान है, जो हमने जन्म लिया, हम बेकरारी बेचैनी नहीं चाहते, हम करार और चैन चाहते, और वो भी टेम्पररी नहीं, परमानेंट, अटर्नल, प्रीमियर हैप्पीनेस वी ऑल वांट। कहां से मिलेगी? भगवान से मिलेगी। है क्यों बाबा ऐसा क्यों कहते हो? सथाई शांति भगवान की मोनोपोली है, भगवान का एक अधिकार है। जैसे कार्ड लिफाफे आपको पटवारी की दुकान से नहीं मिलेंगे, वहां तो सिगरेट बीड़ी पान मिल जाएगा। ये कार्ड लिफाफे इत्यादि ये गवर्नमेंट की मोनोपोली, सेंट्रल गवर्नमेंट की मोनोपोली है। ये तो आपको जाना पड़ेगा डाकघर में, यही पोस्ट ऑफिस में जाना पड़ेगा, और ये सारी आप अपनी पोस्टल ऑर्डर इत्यादि जो मांग है वहां से पूरी कर दोगे। अच्छा,
इससे जब हम चाहते हैं शांति ले, आराम ले, चैन ले, वो दो दिन का नहीं, दो महीने का नहीं, दो साल का चैन नहीं, जब तक मेरा एक ही श्वास है मैं हमेशा शांत रहूं, इस हमेशा शांत रहने के लिए भगवान के पास जाना होगा। हाय मेरी हम सारे यही चाहते हैं मेरी देवियों सजनों, ऐसी ऐसा चैन मिले जो बेचैनी में ना बदले, ऐसा करार मिले जो कभी बेकरारी में ना बदले। उनको एक बार फिर सोचो, हम ऐसा चैन चाहते हैं जो बेचैनी में ना बदले, इसमें कोई शक नहीं। आपका कलेजा, आपकी आपका मन, अंतःकरण ऐसा ही शांति चाहता है जो दुख में ना बदले, ऐसा करार जो बेकरारी में ना आए, ये फिर भगवान से मिलेगा। अगर हम जनता भगवान को छोड़ देती है तो फिर वो क्या उसे खुशी मिलेगी जो चंद्र के बाद दुख में बदल जाएगी। क्यों बाबा, पूछो मेरी जैसों से, अरे इंक्वायरी करो। अगर हम भगवान की तरफ नहीं जाए तो खुशी नहीं मिलेगी, मिलेगी लेकिन दो महीने की या दो साल की। क्यों? वो खुशी हम भगवान से नहीं लेते, वो प्राणी पदार्थों से। मैं बहुत पढ़ गया हूं, वो इतनी पढ़ गई, आरा खुशी मिली, मेरे को बड़ी डिग्री है, आई एम डिग्री होल्डर, खुशी मिली। हाँ अब आगे आपने कमाने शुरू कोशिश की, अब आप कमा रहे 5,000 रुपए ले जा रहे, हाँ खुशी मिली, लेकिन टिकिया है ना, नहीं टिकेगी। आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो, हाँ अब अपनी शादी कर ली लेकिन पूरी कमाई से भी खुशी नहीं मिली। 5,000 लेते हो, आपके पास डिग्रियां है, आप MSc BEd है, हाँ ये सब कुछ आपके पास है, लेकिन इसको क्या करें? आपको तो ये पढ़ा कमाई की, आप कमाई भी कर रहे हो, आप कमाई कर रहे हो, बड़ी अच्छी बात है, खाओ पियो मौज लगाओ। नहीं, मेरी शादी होनी चाहिए। अच्छा चल शादी होगी, वो भी कमाती है, आप भी कमाते हो, 10,000 रुपया घर में आता है, वेल गुड, खुश रहो। नहीं, अब क्या हो गया, हमारी गोद में बच्चा होना चाहिए, रात को हमें कुछ चैन सिक्को सोने देता है, जो हम आराम से सोती है अपना भुजा रख करके चराए के नीचे, वो कोई उठाए ना, हमें कोई वहां 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 करके हमें तंग करे ना, कोई पेशाब करे, कोई दोनों प्रणाले चला दे अपने, अब उसके लिए बेचैन हो जाती है। चलो वो हो गया, अब खुश रहो, श्रीमान जी है, श्रीमती है, आप है, खुश रहो। नहीं ना, ये तो श्रीमान को होगा, मेरा भी तो कोई काका बनना चाहिए, मरो फिर मरो, भगवान ने वो भी दे दिया, आप आराम से काट लो। नहीं, मालिक मकान तंग करते, हमारा अपना मकान होना चाहिए, करो करो करो। इसी तरह मन आपको और आगे और आगे और आगे इतने में काल आके बदलेगा। बस नहीं, अभी तो मैंने ये करना है, बस नो मोर, चलो शमशान की ओर। 99% इंसान इसी तरह अरमान लेके आए, अरमान पूरे करते रहे, अरमान अधूरे लेके शमशान में चले गए। अगेन रीबर्थ, वाह, क्यों ऐसा क्यों हुआ? संसार संबंधी कामनाएं आपको पूरी तसल्ली देती नहीं, समझो, आप तो समझ लो, मैं संसारियों को नहीं बता रहा, रब के प्यारों को सतगुरुओं को बता रहा हूं, ये तो रात समझ लो। अगर हम भगवान को छोड़ देते अपने जीवन में से, जैसा कि इस काले समय ने कर डाला, हाँ तो फिर हमें खुशी तो मिलती है, लेकिन वो स्थाई खुशी नहीं होती, अस्थाई होती है। मेरे सजनों, वो मेरी कल्याणकारी देवी हो, थोड़े महीने रहने वाली, थोड़े वर्ष रहने वाली, फिर ये हमें आगे करेगी, आगे करेगी, आगे करेगी है। हाँ अब मैं ये ले लू, अब मैं ये ले लू, अब मैं ये नहीं, तुमसे खुशी मिलनी नहीं, तो फिर हम कैसी खुशी चाहते हैं जो हम में न बदले, ऐसा चैन जो बेचैनी में और बेकरारी में न बदले, ऐसा देखो भगवान के पास। इसलिए अंग्रेजियों में मनोकी कह रहा था, यह एकाधिकार भगवान का है। जैसे मैं दृष्टान दिया था, जितनी भी डॉक्टर संबंधी आपको सेवा चाहती है तो फिर आपको पोस्ट ऑफिस जाना पड़ेगा, परवारी के पास ये कार्ड लिफाफे रजिस्ट्रिया और अपने मनी ऑर्डर इत्यादि नहीं होते, ये तो एक विशेष घर है जिसको हम डाकघर बोलते हैं, वहां जाना पड़ेगा। इस तरह हम चाहते हैं ऐसी खुशी मिले जो कल और बढ़ जाए, परसों और उतरो उत्तर बढ़ती जाए, भगवान को अपना बनाना पड़ेगा, भगवान के बिना ये मिलता नहीं, क्योंकि संसार की चीजें जो है थोड़ी देर रहने वाली है, भगवान जी है, थे, है और सदा रहेंगे, और वो मेरी और आपकी आत्मा है। कुछ एक साधन भगवान ने बताए गए, जिन साधनों करने से हमारे अंतःकरण निर्मल हो जाता है और हमारी सूक्ष्म बौद्धिक वृत्ति अंदर तली हो जाती है, भगवान की जात में तलीन जो अंदर ही हमारे, इसी तरह होता है। मैं आपको दृष्टांत हमेशा याद रख रहा हूं,
आपकी एक बरीक सुई है, हाँ, और उसकी बरीक आंख है, तो आपके धागे को सिरे को ही बरीक करना पड़ेगा। अच्छा, इसलिए हम लब लगाते हैं धागे के सिरे पर और उसे बार बार मरोड़ी देते हैं अपनी दो उंगलियों में, मरोड़ी दे 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 के मेरे सर्दियों में दे लियो, उसे बिल्कुल बरीक करके डालते हैं अभी नहीं, और मरोड़ी और मरोड़ी और मरोड़ी, अब बल गया धागा। इसी तरह बुद्धि को सूक्ष्म करना पड़ता है, जाप द्वारा, भजन द्वारा, संसार के धंधों से हटाकर। ये हम क्या करते हैं, ये जाप, ये सत्संग, ये गीता पढ़ना, विचारना या और नाना प्रकार के पुण्य करना, एक ही बात आपको बता दो, केवल बुद्धि और मन को निर्मल करने के लिए नहीं, बरी करने के लिए है। मन को कुछ दिनों के बाद बुद्धि में मिल जाता है। अच्छा, उसके बाद बुद्धि को सूक्ष्म करना होता है, तो अंदर ही तौर पर भगवान की शक्ति, उसमें बुद्धि तमीन हो जाती है। जैसे बरीक आंख में धागा डालना है सुई के, इसी तरह मन को सूक्ष्म बना के अपने भगवान की जात में तली। और सूक्ष्म तब हटे बने जब इससे हटे, वो भगवान ने साधन बताए। आप अपने दैनिक जीवन में अपने बाकी कर्तव्य पूरे करते रहेंगे, इधर परलोक भी बनता चला जाएगा, वो वेरी गुड, इधर परलोक भी बन रहा है बहुत सुंदर, जैसे इधर रूई भी पिंजी जा रही है, सराने और तुलाई और रजाइयां भी भरी जा रही है, और इधर अनाज भी पिस रहा है, जहां अनाज पिसता है वही इन्होंने प्रबंध किया होता है, एक पुली भी करके नीचे छोटी सी मशीन लगा के रूई धुनी जा रही है और रूई पीनी जा रही है, वो आमदनी मुफ्त में है, और इधर नाना प्रकार के अनाज पीस के बोरियां भरी जा रही है और ट्रक भरे जा रही है, वो आपको अलग है। इसी तरह जब भगवान की वाणी के अनुसार अपना जीवन गुजारते हैं, सच्चाई की बात कह रहा हूं, इधर लोक बनता जा रहा है, साथ ही साथ परलोक बनता जा रहा है, साइड बाई साइड आपको परलोक बनता है, ये नहीं कि लोक बनता, अगर भगवान के अनुसार जीवन काटे, मेरी बात याद रखना, मेरी देवी में यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं, भूला नहीं, भगवान के अनुसार अगर बुद्धि मन और तन को चलाया जा रहा है, लोग परलोक दोनों बनते हैं, और केवल संसार के अनुसार जीवन गुजारे तो परलोक तो बड़ी दूर की बात है, लोक भी नहीं पूरा होता, लोक को भी आप पूरा नहीं कर सकते। इसी विचार के तरह आज के दिन तो खास करके हमारे जैसों से ये विशेष बात अपनी बुद्धि में रख लो, अगर संसार के अनुसार रहा जाए तो परलोक लोक भी नहीं बनता, भगवान जी के अनुरोध उपदेश के अनुसार बुद्धि मन और तन को चलाया जाए, दोनों साथ साथ बन जाते हैं, जैसे वो रेलवे लाइन दोनों पैरेलल जा रही है, दो लाइनें आपस में पैरेलल है, समान अंतर पर जा रही है, समान अंतर, दोनों कोई अंतर नहीं, इस तरह समान अंतर पर हमारा लोक और परलोक चलता है। वाह, कब, मैं फिर कहूंगा, जब भगवान जी के अनमोल कथन के अनुसार हम अपने जीवन के दिन काटे, मूर्खों के अनुसार ना काट रहे हो, संसारियों को देखकर हम इमिटेशन ना कर रही हो, हम कॉपी कर रहे हो भगवान जी के उपदेश को, करना तो यही था, पर कल जो मैं ऐसी मत मार दी चाहे मैं एजुकेटेड है, हमें यही समझ आया, हूं तो कॉपी, हूं तो इमिटेट, किसकी मैं नकल करूं, भगवान के उपदेश की, उनके अनुसार हमने जीवन के दिन काटना था, हमने मूर्खों के अनुसार पहनना खाना बाल रखने और ये वो करना मूर्खों के अनुसार काट लिया, देवी कितनी गलती की, नकल करनी थी भगवान के उपदेश की, नकल कर ली जहान वाले को, जो खुद उजड़े हुए हैं, जो खुद बेकरार है, बेचैन है, किसके पीछे जा रहे हो, जो खुद गुमराह है, जो खुद अपने राह को छोड़े हुए गलत राह पे जा रहे हैं, हम उसकी नकल कर रहे हैं, क्या होगा, वो भी डूबेगा हम भी डूबेंगे, वो भी धक्के खाएगा हम भी धक्के खाएंगे, कम ऑन, आज के इस पवित्र दिन में हम ये विचार कर ले, गीता हमारे दैनिक जीवन में हमारी मदद, रमन शास्त्र भी क्या, हर भगवान के अवतार लेने के, उनके जयकारे मरवाने के लिए भगवान आए थे, बिल्कुल नहीं, भगवान अपनी इज्जत करवाने आए थे, कदापि कदापि नहीं, भगवान हम मूर्खों को श्याणा बनाने आए थे, हम गम में मुब्तला को ये समझाने आए थे, क्या जो हम रो रहे थे, बेचैन थे, बेकरार थे, ये समझाने आए, क्या सिताए न दाना को रंजुआलम, मरे का न सुन को न जीते का गम, करें मैं जो ज्ञान तुझे दे रहा था वो ज्ञान कहां है, बाप को पिता को किसी ने बताया कि आपका बेटा तो धक्के खा रहा है,
कहां? कलकत्ता में। और अगर मैं ठीक देखा है तो वो तो भिखारी बन चुका है, मेरा बेटा भिखारी। ये आदमी क्या कह दिया? उससे टिकट ली, कलकत्ता पहुंचा। जो मकान वो दे के आए थे अपने बेटे को, उस मकान में गए, बेल दोपहर के टाइम दी, अंदर से कोई और निकले। आप इस मकान में, आप कौन है? मैं फलाने का बाप हूं। वो तो मकान बेच गए, कब? 4 साल हो गए। बाकी मकान उन्हीं का ही है, उन्हें बेच दिया। क्यों बेच दिया? आप उनके पिता हैं। अंदर आइए जरा, बैठिए। हाँ, उन्हें तो ऐब लग गए थे, तो उनकी तो नौकरी भी छोड़ गई थी, वहां से रिश्वत ले गई थी, पकड़े गए थे। है? वो तो ऑफिसर थे। हाँ जी, ऑफिसर थे, यही जो आप कह रहे स्टूडेंट थे वो। अच्छा, फिर वहां से तो निकाल दिए गए थे, फिर वो मकान बेचने पर मजबूर हो गए। अच्छा, क्योंकि वो जुआ भी खेलने लग गए थे और शराब भी पीने लग गए थे। अच्छा, उनकी पत्नी और बच्चे वो उनको छोड़ के अपने माँ बाप के पास चले गए। तो वो कहा है? वो तो उनकी तो बुरा हाल है, देखकर स्टेशन पर किसी बैंक पर बैठे होंगे। उनका अब यह हाल है, किसी ने दे दिया तो खा लिया, वरना तो भूखे मरती है। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप मुझे मिला। मैं मिलाता हूँ जरूर, आप पिता है, मैं जरूर हमदर्दी प्रकट करूंगा। ले गया उनको, ढूंढ निकाला, वाकई बेंच पे लेटा हुआ था, कपड़े फटे हुए, यहां से कमीज फटी हुई, पजामे के नीचे कई रोशनदान है। देखा, फूट के रो पड़े। बेटे, पिताजी, आप यहां कैसे पहुंच गए? मुझे किसने बताया तेरा ये हाल? और अभी मैं लाखों पति हूं और तेरी ये दुर्दशा फटे हालों में। पिताजी, मैं क्या बताऊं? मैंने अपने पैरों पे कुल्हाड़े मारे थे। मैं बहुत गंदा बन गया था, बड़े गंदे गंदे ऐब लगा लिए। अच्छा, रियलाइज कर रहा है? तो मेरी पत्नी भी छोड़ गई, बच्चे भी छोड़ गए, नौकरी भी छूट गई, सेहत भी मेरी चली गई। अब तो मैं मौत के इंतजार कर रहा हूं। तो मुझे क्यों नहीं बताया? शर्म के मारे मैंने आपको नहीं बताया। अब रियलाइज कर रहा है? चल मेरे साथ, ये सब कुछ छोड़ देगा, जरूर छोड़ दूंगा। अब उसने अपने बेटी को बाप ने अपनी छाती से लगा लिया, लगा के अपने, इधर बेटा भी रो रहा है और इधर बाप भी रो रहा है। जरा ये दृश्य सामने रखिए, ये दृश्य रखिए जरा। बाप ने फटे हालों में अपने पुत्र को छाती से लगा रखा है और बच्चा रो जा रहा है। उधर भगवान, उधर वो भी बाप भी प्रेम के आंसू आ रहे हैं। ये श्लोक याद रखो, बेटा है ना, बाप को नहीं छोड़ सकता। और ये कौन है? बाप अपने बेटे को खून को छोड़ सकती है? नहीं। श्लोक याद करो, कभी मुझसे नहीं मोड़ और कभी मैं इसे छोड़ सकता नहीं। अकाल इसी कारण से होता। बेटे, मेरे गुरु ने समझाया मुझे, अवतार कब होता है? जब उन्हीं के बच्चे उनके बताए हुए शानदार रास्ते को छोड़ देते हैं। कामी, क्रोधी, लोभी, लालची, लपट, रागी, देशी बन के अपने फटे हाल कर लेती है। नहीं रह जाता उस भगवान को तो इंसान की सूरत में आता मजबूर हो जाती है। क्योंकि श्याम सुंदर दया के समुद्र, वो दया के घर है। ये जो आपने दया नहीं, ये भगवान की ओर से बख्शी है। ये जो आपने ये दया नहीं देगी भगवती, ये प्रभु की ओर से बख्शी है। भगवान से राह जाते हैं उनके बच्चे फटे हालों में हो, जबकि भगवान ज्ञान के घर हो, जबकि भगवान विद्या के घर हो, सरस्वती उनकी चरणों की उपासिका हो, अर्थात गॉडेस ऑफ नॉलेज, और हम धक्के खाए। तो भगवान का अवतार इसीलिए होता है जब हम भगवान के बनाए हुए रास्ते को छोड़ के अपने आप को बुरा हाल देखते हैं। जब भगवान देखते हैं कि इनकी क्या हो गई, गम बेहिसाब इनको दिन हो के रात, तब भगवान कहते हैं मैं अवतार लेने के लिए मजबूर हो जाता हूं। हाँ, भलों को बुरों से बचाता हूं, ये अवतार का काम। भलों को आप जैसे को बुरों से बचाता हूं, बचाने के लिए, हटाने के लिए। एक बार ये दिमाग में रख लो कि भगवान के उपदेश द्वारा ही मेरा, जैसे पिताजी बेटे को वहीं से शिष्य पर ले गए, बस चलो। मेरे पिताजी कुछ बस 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 खामोश,
मेरे साथ घर चलो। यही अवतार लेके भगवान को आपको कह रही आती है, चलो मेरे साथ घर चलो, मेरे साथ घर चलो। हाँ, अब देर ना करो, आप घर कैसे पिताजी के साथ चल पड़ो, तो हम हमारे जैसों द्वारा भी इलाज करवाए जाएंगे, फिर क्या होगा, भगवान का उपदेश आपको याद आएगा, उपदेश के द्वारा आप अपनी जात में तल्लीन हो जाएंगे। मेरे गुरु ने, मेरी महापुरुषी ने बताया, क्या उस वक्त रोम रोम आ रहा बोलता है हरिओम हरिओम, भगवान का नाम लेता है। नहीं आचार्य कहते थे इसके अर्थ निकालो, पढ़े लिखे हो ना, हरिओम हाँ निकालो अर्थ, हरि मेला हरि एटीट्यूड बनाए भाई, हरि मेला जल्दी करो, हरि मतलब हरि, चूंकि आयु के थोड़े देर में हरि, ओम का मतलब होम लगाओ, हरी होम हरी होम, घर जाने की जल्दी करो, हरी ओम की जिकल टू हरी होम, ओ वाह महापुरुष भगवान आपका भला करे। कितने अर्थ अच्छे लगाए गए पढ़ी लिखी, ये हम स्कूलों में कॉलेजों में यूनिवर्सिटी में नहीं बताया गया समझाया गया कि परमानेंट हैप्पीनेस के लिए हमें भगवान की तरफ भागना चाहिए, हम ऐसी शांति चाहते हैं जो कभी भी दुख तकलीफ चिंता में न रहे, वो तो हमें भगवान से मिली है हमेशा रहने वाले, जो हमने खुशी ली है वो माँ से चली गई खुशी, बाप से, बहन से, भाई से, अपनी पत्नी से, अपने पति देव जी से, अपनी पढ़ाई, अपनी लिखाई, अपने रुपयों से, अपनी नौकरी से, अपने सुंदर बन जाने से, ये रही नहीं रहती ये चीजें, क्यों, ये थोड़े दिन के बाद इनमें परिवर्तन आ जाता है, ये भगवान का कल नियम है। अगर भगवान को छोड़कर किसी प्राणी या पदार्थ सम लेंगे उसमें परिवर्तन आ जाएगा, ये मेरे और आपके बस की बात नहीं, जब अपने जॉब उसमें परिवर्तन आता है, परिवर्तन में नहीं गवारा होता, फिर गवारा नहीं होता, हमारा मन बेचैन हो जाता है, और भगवान ताड़ी मारते, बच्चों छोड़ दिया मुझे, मेरे उपदेश को छोड़ दिया, हाँ इसी से प्रगट हो आखिर में दुख, ताल्लुक से पैदा जो होता है सुख, याद कीजिए आज के दिन, याद करो नहीं मेरे सजनो, आज के दिन भगवान ने कहा ताल्लुक से पैदा जो होता है सुख, जो आपने कंटेक्ट से खुशी ली माँ बाप बहन भाई पति पत्नी इत्यादि से, हाँ ये कंप्यूटर कंटेक्ट वी अटेन द प्लेजर एंड हैप्पीनेस, नो डाउट, इसी से प्रगट आखिर में दुख, वो कोई आकाश से गिरा है नहीं बाबा, जो धरती फोड़ के बाहर आया है सो बात तो नहीं, वो क्या हुआ, हमारे तल्लुकात में कुछ गड़बड़ मची है, हमारे तल्लुकात कुछ खराब हुए हैं, अरे मैं तो अभी दूध ठीक रख के गई थी 4 किलो दूध, ये क्या होगा, फिट 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 गया दूध, फिट गया हाँ, कहीं ना कहीं से खटास आ गया, आपने गर्म क्यों करके रखा, रोज तो गर्म करती हूँ, आज मैं अभी करती हूँ अभी करती हूँ, बस नहीं गर्म किया, थोड़ी सी खटियाई इसमें आगे तो 4-5 घंटे हो गए, फट गया फिट गया, अगर गर्म कर देते ना फिटता, ओ इंसान अगर भगवान के उपदेश को आप अपनी बुद्धि में रख लेते तो ना फिटते, सियाने क्या कहेंगे, दुग्ध मुग्ध फिटिया, कोई नहीं पता लगता कब फिट जाए, आज का वातावरण क्या है, बुद्धि फिट गई है, बेटे बुद्धि फिटती पड़ी है आए, और जिसकी बुद्धि फिट जाए व्यासी का क्या गया, विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब किसी ने नष्ट भ्रष्ट होना होगा तो उसकी बुद्धि विपरीत हो जाएगी, यही हाल आज समाज का है, यही हाल मेरी देवियों पढ़ी लिखी देवियों का है, बुद्धि फट गई, क्यों, तो उसको आपने गर्म नहीं किया, जैसे दूध को गर्म किया जाए तो कुछ लंबे समय तक नहीं फिटता, बुद्धि को भगवान के उपदेश से गर्म किया जाए तो फिर ये फिटती नहीं, फिर भगवान कहते कायम हो लखन सिर्फ फट गया, अब उसकी बुद्धि सिर्फ फिट गई, स्टेशनरी स्टेबलाइज्ड स्टेबलाइज्ड, हाँ नो मोर वेवरिंग नो मोर ऑसिलेशन, याद रखना दूध को गर्म करके रख लिया जाए तो जल्दी नहीं फिटता, गुड, बुद्धि को भी भगवान के उपदेश से गर्म कर लिया जाए तो टिक जाती है ठहर जाती है, अगर ऐसे हमने पढ़ पढ़ लिया और भगवान को उपदेश नहीं दिया, भगवान को उपदेश के अनुसार अपने अपने आप को नहीं बना, फिट जाएगी, आप अपने एक इरादे में नहीं रहेंगे बेटी, एक इरादे में नहीं रहेंगे, मन भी चैन रहे, बच्चे रुपये घर में आता है बीता है, लेकिन आपका मन भी चैन है, आपका मन भी करार है, मुझे परमात्मा के चरणों की सुगंध, अगर आपका मन बिल्कुल टिका होता आप कभी भी याद तशीस न लाते,
आपका आना ये बता रहा है, मन भी चैन है, मन भी करार है। हमारे पास आने का मतलब ही यही है, आप मन के डॉक्टर के पास आए गए। मन के डॉक्टर के पास कौन होता है जिसका मन बेकरार हो, बेचैनी हो, बेकरारी हो? वो आपको तन के डॉक्टर मिलती है, हमारे जैसे आपको मन के डॉक्टर है। वो अपनी दवाइयों से आपके शरीर का ठीक करते हैं, हम भगवान के ज्ञान से आपके मन को टिकाते हैं। क्योंकि ज्ञान की कमी हो गई ना, वो डॉक्टर शरीर के डॉक्टर फिजिकल डॉक्टर दवाइयों से ठीक करते हैं आपको, हम लोग भगवान की दुआओं से ठीक कर लेते हैं। क्यों? जब हमारे में विटामिन कमी हो जाती है, डॉक्टर कहते हैं ये चाहिए ये चाहिए ये दवाई ये दवाई। हमारे में जब भगवान के ज्ञान की कमी हो जाती है, हमारी मन बुद्धि दोनों डाउन हो जाती है। हमें उस ज्ञान की कमी को दूर करने के लिए हाँ भगवान का उपदेश याद कराना पड़ता है। ये ले लो भाई, आप बिल्कुल शांत आनंदित हो जाती है, बिल्कुल आनंदित। तो ऐसे लिखेंगे भगवान का उपदेश तो हमारे गमों को दूर करने के लिए हुआ। भगवान का अवतार, जब भगवान का अवतार क्यों हुआ? हमारे गम को दूर करने के लिए। हम लोग ये तो लेते नहीं, हम उनके बाल की घटना ले लेंगे, उनके जो बाल घटना, मक्खन चुराना, गैया चराना, ये करना वो करना, इससे क्या ठोस लाभ होगा? उनकी झांकियां निकालना, इससे क्या थोड़ी देर तो होगा लेकिन ठोस लाभ नहीं होगा। भलाई सॉलिड गेनिंग नहीं आपको होगी जब तक के आगे ना निकल जाए। भगवान के इसी स्वरूप को ना लो, भगवान के बाद स्वरूप को नहीं, इतना ठीक है, आगे बढ़ो। भगवान जगत गुरु के नाते से 1957 में जो घटना हुई थी आप सब जानते होंगे, कांटा गलत बना गया, जिस कांटे पर पहले गाड़ी खड़ी है उसी कांटे पर दूसरी गाड़ी को भी ले लिया। आप इसी तरह मारो, ये कांटे ठीक नहीं बने, कांटा यूं खींचना था, परला कांटा खींच, इतने से गलती, जरा से गलती से क्या हो गया? जितनी गाड़ी आ रही थी गिरती गई, वो गिर गई। क्या हुआ? कई क्रेन आ गए, अंग्रेजी क्रेन बोलते हैं, अपने उसकी शक्ल कुकड़ वाली होती है, कुकड़ बोलती है, कुकड़ आ गया, किस लिए? गिर गई गाड़ियों को उठाने के लिए। और मुझे भगवान की कसम, आज भगवान का दिन है, भगवान तो कुकर बन के आए थे हमारी मन बुद्धि को उठाने के लिए। हम गिर गए थे ना, गाड़ी का गिर जाना क्या होता है? लाइन पटरी को छोड़ देना। गाड़ी का गिर जाना क्या होता है मेरी बेटी? पटरी जो रेलवे लाइन है इसको छोड़ देना, चाहे किसी कारण से हो। हम कौन थे? भगवान के बनाए हुए धर्म की लाइन को छोड़ चुके थे, भगवान की लाइन को हमने छोड़ दिया। तो जो दुर्दशा सवारियों की और गाड़ी के डब्बों की होती है, भगवान आपको ये कभी भी ड्रेडफुल सीन ना दिखलाए। दिस इज वेरी ड्रेडफुल, वेरी हॉरिबल सीन। हाँ, इसी तरह आज जनता का बहुत दुर्दशा हो रही है। मेरे पास एक ही जवाब है, भगवान के बनाए हुए धर्म की लाइन को छोड़ चुकी है तो फिर जरूरत है भगवान रूपी क्रेन की, कुकड़ की। वो क्रेन आए, हाँ वो कर करे शाबाश। तो इसलिए मन में रखूं, तब तो जरूरत है मुझे उपदेश की भगवान की, ताकि मेरी मन बुद्धि जो लाइन को छोड़ गई है, हाँ उस द्वारा लाइन के ऊपर रख दी जाए। बस जीव का कल्याण हुआ जब उसने अपने आप को भगवान के रास्ते पे लगा लिया, लो बढ़ते चलो, लाइन क्लियर, ऐसा समझो भगवान को। इस रूप में दूसरा अध्याय हमारी बड़ी मदद करता है दैनिक जीवन में। बेटे दैनिक जीवन में दूसरा अध्याय बड़ी बड़ी मदद करा, दैनिक जीवन को शानदार बनाने के लिए। तो बार बार अपने मन में रखो, भगवान का अवतार हमारे दुखों की जड़ें काटने के लिए, भगवान का अवतार हमारी मुसीबतों को दूर करने के लिए, भगवान का अवतार हमारी बेचैनी बेकरारी को मिटाने के लिए। महाराज जी ने अवतार लिया इसलिए था, अच्छा उसके लिए जरूरत है गीता की, को ये उनका उपदेश है, ये उनका फरमान है। हाँ, इस द्वारा ही हमने अपनी बुद्धि और मन और अपने कर्मों को बना लेना, शाबाश, इसको ढाल लेना है। ऐसे ही मेरे गुरु ने मुझे बताया था, वो दिन याद करो, पहली दूसरी जमात के मास्टर जी, जी बेटी पट्टी पर स्लेट पर क्या वो डालते थे पट्टी पूरने, अभी तक मुझे याद आता है, थप्पड़ी मास्टर जी याद खाए लगे हुए याद आते हैं।
पट्टी पूरी डाल देती थी। हाँ, हम अपनी कलम लेकर के उनके ऊपर जैसे मानो का लिखा, का पर का यूं करके लिखा, अगर कहीं नीचे लिख गए का गंदा बन जाता था। तो कहते हैं कि मैंने का लिखा तो तेरी कलम कहां चल गई। साथ वो गालियां भी देती थी, माँ को गाली तो बाप को गाली, पता नहीं किसको गाली। तो यूं दे करके ये लिख, अब लिख, अब दोबारा लिख। इस तरह हम लिखते लिखते हमारा हाथ पक गया कि नहीं, पट्टी पूरे डालते डालते अब कितना सुंदर आप का डालते हैं, खा डालते हैं, फटाफट लिखते जाते हैं जैसे कि बिजली की मशीन लगी हुई, फटाफट गुड। पहले कितने पूर्ण लिखे। इसी तरह भगवान का उपदेश क्या है, मन बुद्धि के पूर्ण है ये, वो तो हमारे हाथ के पूर्ण तक, जहां भी कहीं लिखेंगे तो हम रनिंगली लिख सकेंगे, नो मिस्टेक एट ऑल। तो भगवान का जो उपदेश है ये हमारी मन बुद्धि के लिए, ताकि इरादे ऐसे रहे, मन के विचार ऐसे रहे। अब ये दोनों ठीक रहेंगे तो हमारे कर्म भी बड़े शुभ हुआ करेंगे, और कर्म जैसा कर्म वैसा फल। जब कर्म शुभ होंगे तो फल सुख शांति आराम चैन करार, वेरी नाइस। ऐसे ही अवतार के दिन को लो, आज के दिन जो हम मनाते हैं क्यों, भगवान के उपदेश की याद करके, अपने में इनकलाब लाने के लिए, अपने तब्दीली लाने के लिए। तो दूसरा अध्याय आपकी बड़ी मदद करता है, बड़ी सहायता करता है असलियत में पहचान करना भगवान की। फिर आगे दैनिक जीवन में कर्म करना केवल कर्म के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, उनके फरमान के मुताबिक। फिर आगे जो मैं ले रहा था 31वां श्लोक, हा काम न रख के नहीं, जो इंसान करे ख्वाहिशें दिल से दूर, ख्वाहिश रख के नहीं, कामना हम मार खा लेते हैं जब कामना रख के कर्म करते हैं, इच्छा रख के कर्म करते हैं, डिमांड और वांट रख के कर्म करते हैं। बाबा क्यों, कोई कामना नहीं रखनी चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए था, कामना क्यों? आपकी कामना के अनुसार आपको नहीं मिलना, आपके प्रारब्ध के अनुसार आपको मिलना है। जैसे आप पढ़ना चाहते पढ़ाई करो, कौन रोकता आपको, करे जिस कदर उस पे लाजम है काम, जो भी आप समझते करो। हाँ, जितना आपसे बन सकता दिन रात जितने जो टाइम नहीं वेस्ट करना, जुटिए लगिए, लेकिन फल की इच्छा रख के नहीं, मुझे काम करना, कामना रख के नहीं, मेरा धर्म है मेरा काम करना है। सब कुछ आपको भगवान की ओर से मिल जाएगा। अगर आप कामना रख के करते हैं तो कामना बढ़ती जाएंगी, इसलिए भगवान रोकती है कि अगर परमानेंट हैप्पीनेस लेनी है तो कामना रख के नहीं, फिर मैं आगे क्या रखूं, कर्तव्य रख के, मेरी ड्यूटी मुझे बाउंड करती है ये मैं करूं, कहना ये था, मेरी ड्यूटी मुझे मजबूर करती है कि ये मैं करूं। आप जब ड्यूटी का आगे फल रख लेती है, मैं ये पढ़ूंगा, मैं इतना कमा लूंगा, अच्छा घराना मिल जाएगा, मेरी पत्नी अच्छी होगी, मेरे मकान अच्छा, मैं बड़ी अच्छी इज्जत ले लूंगा, जीवन के चार आराम आराम से निकाल सकते। ये तो एक आराम वाला नहीं, बेआरामी और बेचैनी का है। अगर आपने इस तरह जीवन काटा, मेरा कर्तव्य है मैं अपना पूरा की जाऊ, कामना रख के नहीं, कामना अपने आप में मल्टीप्लाई करेंगी, मेरी कामना अपने में बढ़ती जाएंगी, कामना और बढ़ेंगी और बढ़ेंगी और बढ़ेंगी। अच्छा, अगर आप दो के आगे जरब दे रहे हैं तो चार हो जाएंगे, चार के आगे फिर आपने तीन रखे, चार तीन बारह हो जाएगा, फिर चार रखे चार चौके सोलह आएगा, पांच रखे चार, ये बढ़ते जाएंगे अंक। हाँ, कितना अच्छा होता अगर चार बटा नीचे दो कर देते, दो कट जाता बाकी दो रह जाते हैं। गीता हमें जरब देना नहीं सिखाती, गीता में गुना देना नहीं सिखाती, गीता में काटना सिखाती है, गीता में डिवाइड करना सिखाती है, डिवाइड डिवाइड। हाँ, ये फजूल की वासना कामना इच्छा बना ली, वो तो अपने में बढ़ती जाएंगी अगर आप इच्छा के रख के काम करते हैं। हाँ, वो पूरी जाएगी, उसमें से तीन चार इच्छाएं और निकल आएंगी। जैसे बीती हुई जिंदगी पर नजर दौड़ा लीजिएगा, अगर आप ये समझिए मेरा कर्तव्य मेरे कर देना है, अब आपकी कामना घटती जाएगी दिन ब दिन, मन अंतर्मुखी होता जाएगा, नाना प्रकार की शक्लें रखकर आपको हैरान किया परेशान किया। इसलिए भगवान का दूसरा अध्याय हमारे जीवन में काम आता है, मैं पत्नी हूं ना, अपना कर्तव्य पूरा कर दूं, कामना रख के नहीं, इच्छा रख के नहीं, मेरा पुत्र मेरे काम आएगा ये छोड़ पड़े, भगवान नाराज जाएंगे। मेरा कर्तव्य है मां बनी हूं, अपने दोनों पुत्रों की सेवा कर देना, इनके बहुएं मेरे क्या निज काम आएगी, ये मुझे तमन्ना नहीं है, ये अपने श्रीमान का काम आए वो भी ठीक है, क्योंकि कोई किसी ने कहीं रहना है जिंदाबाद। ये जो हम रख लेते हैं, मैं नौकरी इसलिए कर रहा हूं, मैं कमाऊंगा, ठीक है कमाना खाना आगे आपका, मैं मेरे जीवन के चार दिन आराम, इससे आराम से नहीं कटने ना,
ये आप कामना रख, इसलिए भगवान कहते हैं जो इंसान करे ख्वाहिशें दिल से दूर, हवस करो वो जिसके दिल में फतूर। ये इंसान को नहीं पता, आप तो पता कर लो। कामना रख के मैंने जीवन नहीं काटना, पुरुषार्थ रख के मैंने जीवन काटना है। मैं पुरुषार्थ कर रहा हूं, आगे क्या बोलना था, जाने मेरे प्रभु, जाने मेरे भगवान, आगे क्या होगा ही नोज बेटर। अगर कामना रखोगे वो कामना पूरी हो जाएगी। रब के चरणों का प्यार आपको कह रहा है, गीता का फॉलोअर आपको कह रहा है, वो कामना तो पूरी हो जाएगी, लेकिन बीच में से दो कामना और निकल आएंगी, फिर वो भी पूरी कर लोगे, चार कामना और निकल आएंगी। इधर आयु घटती जा रही है, कामना बढ़ती जा रही है। जो बेवकूफी मैंने पिछले उम्र में, पिछले जन्म में की थी, वही बेवकूफी मैं इस उम्र में भी कर रहा हूं। पिछले ही मेरे अरमान रह गए थे, फिर मेरा जन्म हुआ, एक तन में दाखिल एक से जुदा, एक तन में दाखिल एक से जुदा। अब मैं फिर वही रेपिटेशन कर रहा हूं, द सेम रेपिटेशन, द सेम ब्लंडर अगेन, द सेम ब्लंडर अगेन। वास्ता है आपको अपने कल्याण का, ये गलती नहीं करना। कामना को धजिया उड़ा डालो, कामना को किक कीजिए। मैं अपने कर्तव्य अदा कर दूंगा, कामना तो पूरा होना नहीं, कामना तो बढ़ती चली जाएंगी। विवेकानंद पर इसका, इस गीता की बात को समझाते हुए जब अमेरिका में बोल रहे थे, हाँ मेरे ख्याल में तो सारे उठ खड़े होंगे, उनके लिए बड़ी नयाली बात है। वो मादा प्रस्त है, मटीरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से सोचती है, तो खड़े हो गए सारी हॉल में, मेरे गोल्ड टेम्पल हॉल था, सारे खड़े हो गए। विवेकानंद ने ताड़ी मारी अपने हाथ पर, वेरी वेरी गुड, खड़े होकर सुनना चाहते हो, नो सर देयर इज ऑब्जेक्शन, हमारे मन में इतराज है, आपत्ति है, क्या जो आपने कहा है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, बाकी लेक्चर मुझे पूरा करने दो, इसका जवाब कल दे दूंगा। कहते रहे, एक के जिम्मे लगा दिया, ये मैं बकवास नहीं कर रहा, उनकी जीवनी में आपने पढ़ा होगा, लेक्चर में पढ़ा होगा। एक अंग्रेज के जिम्मे लगाया कि इतनी बात तो मेरी कर दो, क्या, कल एक मटके में काफी सारे मेंढक भर के ले आना, जरूर लाएंगे, हमारे नौकर है वो तालाब में से भर के ले आएंगे। एक को कहा कल तुम तराजू भी ले आना, तराजू बेटे बैलेंस, तराजू भी ले आएंगे, जरूर ले आएंगे कल। एक को कहा तुम अपनी एक मेज भी ले आना, डिमॉन्स्ट्रेशन दूंगा, जैसे 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 आप अपने साइंस के लेबोरेटरी में डिमॉन्स्ट्रेशन देती है, प्रयोगशाला में डिमॉन्स्ट्रेशन दिया जाता है, ऑक्सीजन अगर जनरेट करनी हो तो कितनी चीजें इकट्ठी इकट्ठी करके राके आग लगाते थे हम लोग, आग बढ़ गई तो क्या ऑक्सीजन जनरेटेड थी, गुड। तो विवेकानंद ने सारा कुछ अगले दिन कर, हाँ आपने जो कहा था मैं मेंढक ले आया, बड़ी इंटरेस्टिंग घटना सुनना मेरे से। अच्छा आपने कहा था ये पकड़ी लाड़ी, ये मैं तराजू भी ले आया हूँ, ये मेज भी मैं लाया हूँ, बड़ी सुंदर रक्त सेंटर में रख दी गई, सबको कहा तुम खड़े हो जाओ। अब सारे बेंचों पर जो भी उनके थे खड़े हो गए। अब विवेकानंद ने कहा अब कोई भाई आप में से आएगा इतनी तो मेरी सेवा करो, हाँ केवल मुझे एक पाइया तोल के दे दो मेंढक, पाइया निश्चित तराजू भी पड़ा है, मेंढक भी इसके अंदर है। एक श्रीमती आई, श्रीमान जी ये तो बड़ा आसान बात है, मैं मटका पकड़ती हूँ, हाँ आप तराजू पकड़ो, हाँ तो मैं मेंढक को तराजू पर्दे पर डालती हूँ, आप ऊपर उठा लेना, गुड। विवेकानंद जी की ये थैला पड़ा है, थैले में डाल देना, गुड। ऐसे ही हो गया मेरे सजनों, ओ मेरी देवी हो, ऐसे ही हो गया। अब वो यू करती है, पर्दे पे मेंढक गिरती है, फुदक के वो तो बाहर आ जाती है, जो फुदके बाहर तोलो ना, मैं तोलता तो हूं पर ये तो जम कर लेती है। मेरे ख्याल में 35 मिनट गुजर गए उनको तोलते तोलते, आखिर में उन्होंने तकई मारी नीचे, मटका पड़े रख दिया। तो कह रहे स्वामी वो कौन, ये हो ही नहीं सकता ऐसा, या तो ये मरे हुए होते, जब ये अलाइव है तो ये जंप करेंगे। तो वो कहते विवेकानंद यही तो भारत से गीता सुनाने आया है कि कामनाएं मरी हुई नहीं, कामनाएं जिंदा होती है, वो जंप करती है, आपने तोलने की कोशिश करती है, तुले कैसे, दे जंप लाइक एनीथिंग। अगर वो जंप ना करती तो इंसान कितना शांत होता। आपने एक कामना पूरी की, दो जंप कर गई, तीन जंप कर गई, दृष्टांत सामने रखना, फिर आप हमेशा उदास रहती हैं, हमेशा ही आपका चेहरा लंबा लंबा सा लंबूतरा बना रहता है, क्योंकि कामना वांट्स जंप देमसेल्व्स। इतने साधन ही आपके पास होते फिर क्या उदास हताश निराश। तो गीता कृष्ण कहती है अपने दैनिक जीवन में ले आओ, कामना रख के नहीं, कर्तव्य रख के, ड्यूटी सामने रख के। इस अवस्था में कहा गया ड्यूटी इज ब्यूटी, ड्यूटी इज ब्यूटी, चेहरा ब्यूटी नहीं होता बेटे,
शक्लें ब्यूटी नहीं होती मेरी देवी, नॉट हैंडसम नॉट सो ब्यूटीफुल, जैसे कि कर्तव्य को समझ करके उसमें जान अपनी कुर्बान करना, दैट इज ब्यूटी, ड्यूटी इज ब्यूटी। वाह, अब कितनी शानदार, इसमें आपका मन लग जाएगा, अब आप हमेशा शांत रहेंगे। अगर इस नुक्ते को पकड़ ले, अगर मेरी दीदी आज भगवान के पावन दिवस में इस नुक्ते को पकड़ लेती है, कर्तव्य मेरे सामने रख करके अपने दिन गुजारूंगी, यू एंजॉय लाइक एनीथिंग, कितने प्रसन्नता से दिन कट जाते हैं आपके, चेहरा कितना शांत, मन का बैलेंस कभी भी अनबैलेंस नहीं होगा, हमने अपना कर्तव्य कर दिया, जाने मेरे भगवान। अब कामना जब रखी नहीं तो कामना बढ़ेगी कहां से, कामना रखी नहीं तो कामना मल्टीप्लाई कहां से करेगी। कितना शानदार तरीका है ब्लेस्ड लॉर्ड कृष्णा का, क्या विहाय कामान या सर्वान, सब प्रकार की कामना को लताड़ करके आओ अपने जीवन के दिन गुजारो। ये इम्पॉसिबल नहीं है, पढ़ाई आप पढ़ते रहो, जितनी आपका वश चलता है पढ़ते रहो, पर आगे शेष चली की तरह मैल खड़े करना, अब आप चोट खाएंगे। आप बिजनेस मैन है, बिजनेस करते रहो, आप पत्नी नौकरी करती करती रहो, लेकिन आगे और खड़े कर लेते, ये होगा ये अब मार खा लोगे, अब आपको मन बेचारी बेकरार रहेगा, मेरा कर्तव्य मैं किए जा रही हूं, आगे मेरे भगवान जाने, ये तो महकमा उनके हाथ में, मेरे हाथ में थोड़ा है। अब आपका मन आगे बढ़ेगा ही नहीं, क्या रहेगा, प्रेजेंट में रहेगा, ना पास्ट में जाएगा ना फ्यूचर में जाएगा, लिविंग इन प्रेजेंट ओनली। कितना मन शांत, कितना अच्छा फार्मूला है जो हमारे दैनिक जीवन में उतर आएगा। हम समझते ये मिलेगा मैं शांत हो जाऊंगा, नहीं, इस मिलने से उल्टा मेरी कामना बढ़ जाएंगी, इस तरह मैं करूंगी तो मेरी वासना और बढ़ जाएंगी, उल्टा जो अब मैं शांत हूं कल कुछ दिन के बाद ये कामना पूरी जाएंगी तो मैं और भी अशांत हो जाऊंगी। हाय क्यों, नई नई कामना ना निकले तो फिर तो नर नारी बड़े शांत हो जाए, और नई नई वातावरण, नई नई वासना, नई नई कामना निकल आती है, नई नई जरूरतें में महसूस होती है, हमारा मन और उदास हो जाता है। और जब कामना रख के नहीं, कर्तव्य रख के हम जिंदगी के दिन काटेंगे, प्रसन्नता खुशी उल्लास आजमा के देख लो दैनिक जीवन में, ये जो बात है मेरे भगवान की, हमें कितना होशियार कर देती है, हमारे चेहरे पे कितनी रौनक बनी रहेगी। अगर ये पक्का कर ली जाए, तुझे काम करना है उम्र देकर नहीं, उसके पल पर तुझे इख्तियार किए जा अमल और ढूंढ, ना बेचैनी हो ना बेकरारी हो ना कामों पीछे धक्के खाना हो, शांत आनंद, कितना अच्छा। एक बारी अपनाने की चेष्टा कीजिए, आज के दिन ये रखो कि मैं भगवान कृष्ण जी का ये अपने ड्यूटी सामने रखनी है, वांट्स एंड डिजायर्स नहीं, वो तो मैंने हमने बना ली है, हमने खुद बनाई है, नेचुरल नहीं है, जो नेचुरल हमारी काम है वो भगवान साधन बना देती है, हैं। आवश्यकताएं कुछ और होती है, कामना कुछ और होती है, कामना हमने खुद बनाई है, आवश्यकताएं रब ने बनाई है जो वो खुद पूरी कर रही है, नेसेसिटी कुछ और होती है, डिमांड एंड नीड्स कुछ और होती है, वो आपने खुद महसूस की है, और जो आवश्यकताएं गए या हमारी नेसेसिटीज है वो रब ने पूरी करनी है, हाय वो भगवान साधन बना देंगे, वो जरूर पूरी होंगी, लेकिन जो आप नई नई वासना है कामनाएं बनाते हैं ये आपकी बनाई है। हाँ, कामना इंसान बनाता है, आवश्यकताएं रब खुद पूरी करता है, हमने पुरुषार्थ करना है हमारी आवश्यकता पूरी जाएगी, नेसेसिटीज और इधर क्या गए, ये आपकी लॉन्गिंग्स, हाँ ये हम खुद बनाती हैं। जरा सियाने बन जाओ, आज भगवान के पावन अवतार दिवस इस बात को पिकअप करके अपने अंतःकरण में हमेशा के लिए रख दो, मैंने पुरुषार्थ कर जाना, इससे भगवान कहते वो आगे फौरन का इस श्लोक के बाद यही गए मकामे वसाले, मेरे दीदार से पहले ये अवस्था बन जाती है, भगवान के दिव्य दर्शनों से पहले मन की ये अवस्था, मन शांत, कोई कामना नहीं, कोई वास्ता नहीं, वो मिनट करता हुआ दिखाई देता है, शगर कर रहा नजर आता है, वो खून पसीना एक करके धरती भगवती पर गिरा के भगवती को खुश कर रहा है, हाँ, लेकिन उसके मन में कोई कामना नहीं, कोई वास्ता नहीं, कोई इच्छा नहीं। इससे पहले श्लोक में भगवान ने क्या कहा था, वो ही पाए राहत न ऐले हवस, कामना के पीछे धक्के खाने वाले शांति नहीं पाते, बल्कि कामना को छोड़कर पुरुषार्थ करने वाले शांति पा लेते हैं। सा काम कामी सा न काम कामी सा शांति मापन होती न काम कामी, इस नुक्ति को पकड़ना मेरी भगवती, इसको जरा पकड़ लेना और अपने मन में रख के आप जिंदगी के दिन काटो, आप सारा दिन अपना व्यतीत कीजिएगा,
जो मेरा कर्तव्य है उसको मैंने पूरा करना है। हम रख लेते हैं कामने आगे, इच्छाएं आगे रख लेंगे, आप मार खा लेंगे, आप बेचैनी और बढ़ जाएगी, क्योंकि वो कामना है भगवान कहले पूरी हो जा, लेकिन उसमें से और कामना निकल आती। आपने भगवान से ये कहना था प्रभु ये मेरी कामना पूरी करो, हाँ लेकिन मुझे ये साथ वरदान दो कि और कामना ना निकले, ये मुझे वरदान दो मेरे प्रभु कि ये कामना मेरी पूरी हो जाए और कामना बीच में ना निकले, बस फुल स्टॉप लग जाए इस कामना के बाद, फुल स्टॉप, कामा नहीं, कोलन नहीं, सेमी कोलन नहीं है, फुल स्टॉप, बिग फुल स्टॉप, आफ्टर दैट नो मोर, आफ्टर दैट नो मोर। और आज का इंसान क्या कह रहा है, आफ्टर दैट स्टिल मोर, आयो मेरा रब्बा बाबे करी फिर बोल। अभी हमारा मन कहता है आफ्टर दैट स्टिल मोर, स्टिल मोर, स्टिल मोर, फिर क्या होगा, मन में बेचारी बेकरारी जाएगी, होना क्या चाहिए था, आफ्टर दैट नो मोर, नो मोर, नो मोर। ये कितनी, यही से पॉइंट पकड़ लो जो हमें गुरुओं ने पकड़ा दिया। इंसान दुखी होता जब कहता आफ्टर दैट स्टिल स्टिल मोर, भगवान का प्यारा कहता आफ्टर दैट नो मोर, बस मेरे मालिक मेरी तो आपके चरणों की भक्ति चाहिए, दिव्य प्रेम चाहिए, स्टिल नो मोर, नो मोर, नो मोर, ए भगवती नो मोर। कोई आपको बहुत अच्छी बात कॉलेज की किसी प्रोफेसर के लगी या किसी स्टूडेंट के लगी, हाथ आप कहती है क्या क्या क्या, वंस मोर, वंस मोर, वंस मोर, भगवान का प्यारा क्या कहता है, ना नो मोर, नो मोर, नो मोर। और जहान का प्यारा क्या कहता है, स्टिल मोर, स्टिल, धक्के खाओ पर स्टिल मोर, तो कल जो भी हो रहा है वंस मोर, वंस मोर, समाज में हो रहा स्टिल मोर, स्टिल मोर, एक आप रब ने प्यारे कहते हैं नो मोर, नो मोर, नो मोर, आई एम सेटिस्फाइड लॉर्ड कृष्णा, आई एम एवर सेटिस्फाइड। आज के दिन ये ले लो, नॉट वंस मोर, हा, नॉट स्टिल मोर, हा, नो मोर, या आके अब शांत हो गए, पुरुषार्थ मैंने करना है नो मोर। पकड़ ली, कितनी पढ़ी लिखी है तू, रातों पढ़ पढ़ के तेरी आंखें छोटी कर ली, कितना पढ़ती है, उस पढ़ने को भगवान में और लगा दो, हाय चा पी 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 के अपने चेहरे अपने बर्बाद कर लिए, इतनी खुश्क चा, मुझे नींद ना आए, मैं ऊंगू नहीं, मैं यू ना करूं, कितनी खुश्क चा पी, उसका लाभ उठा लो, इधर हो जाओ कि थोड़ी सी भगवान से दिव्य भक्ति भी तो ले लूं जिससे मेरे जीवन के चार दिन आराम से कट जाए। हा पढ़े लिखो, भगवान की वाणी पकड़ लो, अमर जैसे इसलिए तो आते हैं आपको शांति की बात याद कराने के लिए कि मेरे प्रभु की ये बात ले लो, नॉट वंस मोर, नॉट स्टिल मोर, आफ्टर दैट नो मोर। ये कब होगा, जब हमारा मन भगवान में लगा हुआ होगा। भगवान में कब लगेगा, जब ये पता लग जाएगा कि सदा रहने वाली शांति केवल 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 भगवान से। तीन बार मेरे गुरुदेव ने कहा था बेटे परमानेंट हैप्पीनेस केवल 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 भगवान से। क्यों केवल, बौद्धिक परमानेंट हैप्पीनेस केवल भगवान से, मानसिक परमानेंट हैप्पीनेस केवल भगवान से, शारीरिक परमानेंट हैप्पीनेस केवल भगवान से, और तो कहीं से मिलने की संभावना थी नहीं, है नहीं, कभी हो सकती नहीं, क्योंकि ऑल वर्ल्डली पैराफर्नेलिया इम्परमानेंट टेम्पोररी। इसको पकड़ ले मेरी बेटी, आज के दिन को सफल बना ले, अगर के व्रत रख के आइए तो सफल कर ले इस तरह व्रत अपना कि बस मेरे जीवन में एक न्यू टर्न, न्यू चैप्टर, हेयर इज ए वेरी गुड न्यू टर्न, न्यू चैप्टर इन अवर लाइफ, क्या खुशियों से भरा हुआ चैप्टर खुल जाएगा हमारे जीवन में। सिर्फ इतनी सी बात पकड़ ले, अपना कर्तव्य मेरे सामने रख के अपनी जिंदगी काटनी है तो क्या होगा, कर्तव्य पूरा होगा, कर्तव्य मल्टीप्लाई नहीं होता, कामना मल्टीप्लाई होती है, इच्छा मल्टीप्लाई होती है, नेसेसिटी मल्टीप्लाई नहीं होती, लग्जरी मल्टीप्लाई होती है, ओई होई, ओई होई, ओई होई। एक होती है आवश्यक, एक होती है अनावश्यक, अनावश्यक मल्टीप्लाई होगी, आवश्यक मल्टीप्लाई नहीं होती, आवश्यक तो पूरी हो गई, बट दैट इज ऑल नो मोर। परमात्मा ये बात आपने बिठा दी, ये 31 श्लोक का उपदेश है जो हमारे दैनिक जीवन में उतर आना चाहिए, यही विषय चल रहा है दैनिक जीवन में गीता। कितनी जिंदगी आपकी शानदार बन जाएगी मेरे सज्जनों, कितना अच्छा ये दिन, आज का दिन, ये ऑस्पिशियस डे या आपका पावन दिवस कितना अच्छा बन जाएगा। सिर्फ इतनी सी बात अपने भगवान की अपने अंदर आ जाए, इतनी सी बात हम अपने अंदर ले लें,
जो आपने प्रभु कह रही आज के दिन आपका जीवन कितना शान, आपका जीवन कितना अच्छा, और में खपते में नहीं पड़ेंगे, अपना कर्तव्य किया बस शान, अपना काम किया, आगमन दौड़ी नहीं रहा, आगमन भागी नहीं रहा, आप अपने आप में आनंदित है, अपने आप में छके हुए, अपने आप में शांत है। एक बारी आपने वो रैनी भी देख ली, एक बारी मेरे भगवान के उपदेश के अनुसार रैनी जरा रखिए, मैं नेक रह दे रहा हूँ। वो रैनी में आपने दुख पाया, ये रैनी आजमाइए, आप पामे कभी छोड़ेंगे भी नहीं, कभी छोड़ेंगे भी नहीं। आपको पता लगा कुशल्या को तीन चार सहेलियों ने बड़ा धोखा दिया, आप अचानक दोपहर उस घर चली गई। हाँ एक बात कहने आई हूँ, तो मैंने सुना तो बहुत दुखी, मैं बहुत दुखी हूँ, बड़ी सिताई गई हूँ, एक बार मुझे भी अपनी सहेली बना के देख ले। आपने दोस्त बनाया ना, स्वार्थी निकले, अपना मतलब पूरा किया और चल दिए। एक तो बड़ा धोखा दिया आपसे, 12,000 रुपया लेकर के अंबाला ही छोड़ दिया, दरअसल उसकी ट्रांसफर हो गई थी, आपको बताया नहीं, वो छोड़ रहा था, 12,000 ले गया। एक दो बार आप गए भी सही पानीपत लेने के लिए, वो मिला तो सही, कहते बस मैं अंबाला आऊंगा आपको, बस आपको आने कष्ट पड़ी, वो आप 6 महीने हो गए कोई नहीं आया, आएगा भी नहीं। तो आप तो ये फिर दोस्त आया, रामलाल आया आपके पास, एक बार मुझे भी दोस्त बना के देख ले। हैं? हाँ यही मैं आपसे कह रहा हूं, आपने बटेरों को आजमाया, दुख पाया, एक बार रब से भी दोस्ती लगा के देख लो, एक बार मेरे इष्टदेव को भी तो अपना बना के देख ले। तेरे मन में तो प्यार ही प्यार होता है, उस सहेली को अपना बना ले, किसी को बॉयफ्रेंड बना, किसी को लेडी फ्रेंड बना लिया, एक बार भगवान को भी अपना फ्रेंड बना के देख लो। एक बार जीवन में अगर आप छोड़ भी गए तो हमारे जैसे को लाख लाख लानत, एक बार आजमा लो ना, प्यार ही के साथ मैंने प्यार किया, लेकिन भगवान को तो मैंने अपना कभी नहीं बनाया, एक बार बना के देखो। फॉर ट्रायल से एक मैं ट्रायल कह रहा हूं, केवल ट्राई से बनता है ट्रायल, एक बार ट्राई करके देख लो। हाँ बाबा ये तो यार दोस्त नजर आती है, अच्छा तो वो यार तो नजर नहीं आता, भगवान उसके साथ कैसी दोस्ती लगाए, कैसे लगाए, आज के जो प्रसंग चला हुआ है, एक बार भगवान के इस प्रसंग को जरा अपना कर देखिए। हाँ जो जो भगवान के प्रसंग को अपनाएंगे तो भगवान के नजदीक हो जाएंगे, ना हो तो मैं आपके लिए आया बैठा हूं। भगवान को अपनाने का देखने का तरीका क्या है, उनके उपदेश के अनुसार अपनी बुद्धि और मन को बना लेना, उनके उपदेश के अनुसार अपने आप को ढालो जरा, क्योंकि बिन देखे न होई प्रीति, प्रीति बिना देखे बातचीत किए होती नहीं। हाँ तो भगवान की प्रीति होती है उनके उपदेश को अपनाने से, जैसे उन्होंने कहा उसको अपनाने देखे, उसके बाद देखिए भगवान की ओर से कोई जवाब आता है कि नहीं, ए भगवती प्रभु की ओर से कोई उत्तर आपको मिलता है कि नहीं, उनके अनुसार एक बार बुद्धि और मन को रंगो तो सही, फिर देखिए उनके उपदेश के अनुसार। इसको पातशाही अपनी गवाही दे रही है, हैं महाराज जी के इस फरमान की गवाही पातशाही ने दी, चोले जिनांदे रतड़े प्यारे कंत तिनांदे पास, धूल तिनांदी जे मिले नानक दी अरदास, कि जिन्होंने अपने मन को भगवान के रंग में रंग लिया है, कंत कहती है भगवान को, कंत कहती है स्वामी को, मेरे स्वामी मेरे प्रभु वही गए चोले जिना दे रतड़े प्यारे, जिन्होंने ये चोले नहीं मन और बुद्धि के चोले जिन्होंने भगवान के रंग में रंग लिए, बड़ा गलत अर्थ किए गए महापुरुषों के। एक बार आप रंगो, मैं तो आपके पास ही रहता हूं, मैं तो आप ही के पास, एक बार करो भगवान के उपदेश के द्वारा भगवान को मिलो, भगवान के उपदेश के द्वारा भगवान को मिलो। अब वो वक्त मैंने पहले ही आपको स्पष्ट होकर कह दिया, अब वो समय नहीं, ये शोभा देता होगा वृंदावन में या किसी और नंद गांव में शोभा देता होगा, राधे राधे श्याम मिला दे, अब तो ये है गीता गीता अपना श्याम मिला दे, अपना उपदेशक मिला दे, वक्त वो है, समय का तकाजा ये है, अपने लिखे गए राधे राधे श्याम मिला दे, उधर अच्छा लगता है, हमें यह अच्छा लगता है कि भगवान के ज्ञान के द्वारा श्रद्धावान लभते भगवान, महाराज के ज्ञान द्वारा हम उनके से इंट्रोडक्शन ले ले, बस कितना मन शांत, कितना मन आनंदित। आज आपके महाराज जी का पावन दिवस इस रूप में मुबारक हो, हमारे में इनकलाब आ जाए, आपके शरीर में नहीं आपकी मन बुद्धि में इनकलाब, आपके इरादा में इनकलाब आ जाए, आपके मन के विचारों में इनकलाब आ जाए, देन देयर विल बी वेरी गुड रेवोल्यूशन, वेरी यूजफुल फ्रूटफुल रेवोल्यूशन।
जब आप इस प्रकार विचार कर लेंगे, आज के दिन ले आना मेरा कहना मान लो, इसमें आपका भला ही भला है, इसमें आपका मेरी देवी कल्याण ही कल्याण है। दैनिक जीवन में गीता, दैनिक जीवन में आपकी गीता। जादू वो होता है जो सिर चढ़ के बोले, और भगवान का ज्ञान वो होता है जो हमारे में इनकलाब ला दे, हमारे दुखों को भगा दे, हमारी मुसीबतों को दूर कर दे। ज्ञान का काम ये होता है, जादू वो जो सिर चढ़ के बोले ठीक, और ज्ञान वो जो मुसीबतों को काट के रख दे, दुखों को मिटा के रख दे, उसको हम ज्ञान कहते हैं। वरना वो ज्ञान भी क्या, अब दोस्त वो जो मुसीबत में काम आए। हाँ, तो ज्ञान वो जो दुखों की, वो तो मुसीबत में काम आए, तो क्या ये कहेगा कि मैं तुझे मिल गया मुसीबतें नहीं आएंगी? ये दोस्त नहीं कह सकता, ये आपके फ्रेंड ही और शी नहीं कह सकते कि मैं आ गई हूं या मैं आ गया हूं तुम्हें दुख नहीं है। दुख तो आएंगे, पर मैं तेरे काम आऊंगा, मैं तेरे काम आऊंगी, दुख तो आएंगे, लेकिन भगवान का ज्ञान कहता है एक बार मुझे अपना बना के देख, फिर मैं देखता हूं दुख है कि जरूरत करता तेरे में आने की है। अगर मुझको मन में बसाएगा तू हर रोग से पार जाएगा। ये महाराज जी आपके कह रहे, आपके भगवान कह रहे, आपके इष्टदेव कह रहे, आपके त्रिलोकीनाथ कह रहे, आपके सृष्टि बनाने वाले कह रहे हैं कि अगर महाराज जी को अपना बनाते जाए, मुसीबतें दुख अज्ञाति सब भाग जाती है। अजमाओ आज के दिन, सिर्फ मन में रखो, अजमाते रहो, मन में रख लो। हाँ, केवल पर अपने भगवान के उपदेश को अपनी बुद्धि में, और जो बुद्धि में पहले रखा निकाल दू, जो मन में पहले विचार रखा निकाल दू, अपने भगवान का इरादा बुद्धि में रखू, अपने भगवान के उच्च विचार अपने मन में रखू, और तन द्वारा शुभ कार्य होंगे, उसके बाद देख मेरी बेटी आपके आंतरिक अवस्था क्या होती है, कितनी शानदार अवस्था होगी। तब आप मेरी गीता को छोड़ेंगे ही नहीं, तब भगवान की गीता से आप मुंह मोड़ेंगे ही नहीं, और नजदीक जाएंगे, और नजदीक, स्टिल नियरर, मोर नियरर, नियरर। और नियरेस्ट को बोलते हैं नेक्स्ट, नियरेस्ट मींस नेक्स्ट, ही इज नियरेस्ट टू यू अर्थात नेक्स्ट टू यू, फिर भगवान नेक्स्ट हो जाती है। परमात्मा करे आज का ये प्रसंग आपके जीवन में हमेशा काम आता रहे। मैं अपने इष्ट देव से बार बार प्रार्थना करूंगा, जब उन्होंने ऐसा माहौल तैयार किया और ऐसा प्रसंग कुछ दिन पहले चलाया हुआ है, ये हमेशा के लिए आपके मन में बैठ जाए। हम अपने भगवान से यही वरदान मांगते हैं कि जैसे प्रसंग चला हुआ है, इसी तरह हमारी मन बुद्धि रंगे रंगे जाए, और हमारा जीवन इस तरह बन जाए ताकि हम भी अपने चार दिन रहकर अपना कल्याण कर जाए। यही भगवान से मांगना, रात को 12 बजे जब आप आरती उतारे प्रभु की, यही मांगना, प्रभु मुझे सिर्फ इतनी शक्ति दो, आपके उपदेश के अनुसार मैं अपना जीवन बनाऊ, यही कहना आपको मेरी कसम, और कुछ ना मांगना। आए मेरे अवतारी दाता, ओ मेरे इष्टदेव, ओ मेरे सरताज, ओ मेरे मन के राजा, मुझे इतनी दिव्य शक्ति प्रदान कीजिए कि आपने उपदेश के अनुसार मैं अवशेष जीवन, उपदेश के अनुसार अवशेष रिमेनिंग पीरियड ऑफ लाइफ गुजार डालू। बड़े प्रभु खुश होंगे अगर आपने ये वरदान मांगा तो। जितने दिन जिंदगी के रह गए जो आपने उपदेश गीता के माध्यम से या मीडियम से दिया है, इसी तरह मेरे जीवन कट जाए, यही मांगना मेरी मेरी माता, मेरी नेक बेटी हो, कि आपके उपदेश के अनुसार मैं अपना बाकी जीवन गुजार दू। इतने प्रभु खुश होंगे अगर ये आपने 12 बजे आरती उतारने के बाद, उस पावन समय की आरती के बाद आपने भगवान से गिर गिरा के ये मांगा, ऐ मेरे ब्लेस्ड लॉर्ड कृष्णा, मुझे यही वरदान दीजिए कि जो उपदेश आप मुझे दे रही है और मुझे समझ आ रही है, मैं अपना जीवन ऐसे बना लू, ऐसे अपने जीवन को संवार लू और अपनी जिंदगी में अपना कल्याण कर जाऊं, मेरे प्रभु जरूर वरदान देंगे, क्योंकि उनका वचन दिया हुआ है, मेरे पास जिस राह से लोग आए मैं राजी हूं अर्जुन, मुराद अपनी पाए, इधर से चले उधर से चले, मेरे सब है रस्ते जिधर से। कितनी उदारता दिखाई है इष्ट देव अवतारी पावन दाता ने, बड़ी उदारता, बड़ी लिबरल माइंडेडनेस दिखा दी। और मेरे नेक बुजुर्गों भाइयों माताओं बेटियों, इस रूप में आज का पावन अवतारी दिवस मुबारक मुबारक मुबारक, ये आपका पावन दिवस आज मुबारक हो। जरा भगवान को निहारिए, ये ऊपर आपके जगत गुरु विराजमान है, निहारिए जरा, निहार रहे बाबा, दोनों हाथ जोड़ लो, मैं भी जोड़ता हूं जरूर, सिर को जरा झुका दीजिएगा जरूर, और भगवान से मेरे साथ बोलो पढ़िए, तमसो मा ज्योति गमे,
तमसो मां ज्योति गमे। ओ इष्टदेव, हमें अज्ञानता के अंधकार से निकालकर ज्ञान की रोशनी में ले चलो। हमें अज्ञानता के अंधकार से निकालकर ज्ञान की रोशनी में ले चलो, ले चलो, ले चलो। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। दास जनों के अवगुण का
पश्यंतु माता चीज भाग बने हरिओम शांति 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 ओम प्रभो इसलिए भगवान कृष्ण की गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप करना इस देव हार्दिक धन्यवाद।